बहेलिया जनजाति विकास मंच के नेतृत्व में बहेलिया समाज एवं घुमंतू समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन। जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। मोदी सरकार गरीबों के लिए हजारों योजनाएं मुहैया करा चुकी है, लेकिन उन्हीं के नेता और अधिकारी गरीबों का हक मारने में लगे हैं। हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद के झोपड़पट्टियों में रहने वालों की, जहां गरीबों को एक भी स्कीम का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सुबह से शाम तक मेहनत करने के बावजूद वह अपने लिए छत का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। बहेलिया समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेम सिंह बेलिया ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों को बताया कि आज की मौजूदा सरकार ने गरीबों के लिए काफी योजनाएं निकाली हैं, लेकिन बहेलिया समाज के लोगों का इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नेम सिंह बहेलिया और राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति विकास मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष। किस संबंध में आज ज्ञापन दिया गया है? देखिए, इस संबंध में हमने ज्ञापन दिया है कि हमारे समाज के लोग पूरे देश में भ्रमण करते हैं, घुमंतू हैं समाज हमारा, और 72 साल की आज़ादी के बाद भी आज भी हमारा समाज खुले आसमान में रहने को मजबूर है। और असली मुद्दा यह है कि हम जो है SC के लोग नहीं, हम लोग ST में आते हैं, और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार हमको जो है जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करती है। इसके लिए हमने राष्ट्रपति को और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को और हमने जो है आदित्यनाथ योगी जी को हमने अपना ज्ञापन दिया है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, तो क्यों ना हमारे जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाए। और हमारे लिए सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, हमें घर होने चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा होनी चाहिए, और जो सरकार सुविधाएं हम तक देने का काम करती है, लेकिन हम लोग घुमंतू समाज के लिए ये सारी व्यवस्थाएं मिलती नहीं है। इसके लिए आज हमने जो है यहाँ DM साहब को मिले हैं और DM साहब को हमने ज्ञापन दिया है। अधिकारी द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? हम हमेशा ज्ञापन देते रहते हैं, लेकिन आशाएं हमें मिलती हैं कि हाँ आपका कार्य होगा, लेकिन पता नहीं क्यों ना हमारे घुमंतू समाज सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सरकार की निगाह में ये घुमंतू समाज के लोग जो खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं, उनकी पता नहीं क्यों ना उन पे हमारे समाज पे निगाह नहीं पहुंच रही है। लेकिन आज DM साहब ने हमें उम्मीद और आशाएं दी हैं कि सरकार आपकी मदद करेगी। और जितना नागरिकता संशोधन जो कानून लागू हुआ है, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, उस पर क्या है कि हमारे पास में क्या है, आधार कार्ड है और 100 में से 50% लोगों पे नहीं है। हमने ये कहा है कि हमारे आधार कार्ड होने चाहिए, हमारे जो है पहचान पत्र होना चाहिए और हमारे जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए। हम तो सारी व्यवस्था मांग रहे हैं, लेकिन जब ये हम लोगों ने, जब ये देश गुलाम था, उस दौर में भी हमारे समाज के लोगों ने तीर भाले चला करके इस देश को आज़ाद कराने का कार्य किया, हंसते हंसते हमारे समाज के लोगों ने फांसियां खाई, लेकिन आज की सरकार हमारे तरफ देखने को तैयार नहीं है। लेकिन हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि ये भी इस देश के नागरिक हैं, इनके अधिकार इनको देने चाहिए, और हम लोग SC के लोग नहीं, हम लोग घुमंतू जाति के और हम लोग ST के लोग हैं। हमारे सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारे जाति प्रमाण पत्र अगर हो जाते हैं, बन जाते हैं, सरकार हमारी देती थी है, तो जो हमारे समाज के लोग, चंद लोग जो पढ़ चुके हैं, तो वो भी किसी नौकरी पे लगेंगे, और जब वो नौकरियों पे जाएंगे तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। सरकार चाहती है कि दबे कुचले समाज को ऊपर लाना, लेकिन सरकार ऊपर लाना चाहेगी तो किस आधार पर लाएगी? जब उनके जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो वो कैसे ऊपर को भर के आएंगे? तो इसी मुद्दे को लेकर के हम DM साहब से मिले थे। DM साहब ने आशा दी है और हमें विश्वास है कि जहां तक जल्दी से जल्दी हमारा ये कार्य करें।